हेलो वाइज़ वेलकम टू अनदर व्लॉग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूट्यूब के आए हुए तीन अपडेट को लेकर जो एक से बढ़कर एक अपडेट है खास कर कर थर्ड अपडेट जो है बहुत ही खास है जिसकी हेल्प से जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उन्हें बहुत हेल्प होने वाली है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ट की बात करूं तो मैं देखिए हम अगर हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करते हैं अगर वीडियोस को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम थोड़े एक्सटर्नल कंटेंट्स उसमें ऐड करते हैं यानी कि वीडियोस थोड़े दूसरों के ऐड करते हैं वो हमें पता नहीं होता कि उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकता है लेकिन हम ऐड कर देते हैं और अपलोड कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता कि कॉपीराइट स्ट्राइक उस पर पड़ जाता है और बहुत सारे वीडियोज़ को क्या होता है डालने के तुरंत बाद स्ट्राइक नहीं पड़ता कुछ महीने कुछ साल के बाद स्ट्राइक पड़ता है तो अगर वीडियोस हम कंटिन्यू डालते रहेंगे तो बहुत सारे हमारे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे लेकिन कौन से वीडियो पर स्ट्राइक पड़ी है ये हमें पता नहीं चलता सिर्फ हमें यूट्यूब की ओर से एक मेल आता है कि आपके वीडियो पर एक कॉपी स्ट्राइक पड़ा है लेकिन इस अपडेट से अब क्या होगा यूट्यूब में हमें जिस वीडियो पर जिस वजह से कहाँ से कहाँ हमने कंटेंट यूज़ किया जिसके वजह से हमारे यूट्यूब वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ रहा है इसकी डिटेल्स हमें टोटल डिटेल्स अब प्रोवाइड होने वाली है तो ये एक अपडेट फर्स्ट अपडेट जो है यूट्यूब की ओर से मिलने वाला है अब जहाँ तक सेकेंड अपडेट की बात है सेकेंड अपडेट का जो बेटा वर्जन में इसका टेस्टिंग चल रहा है ये व, ये अपडेट भी बहुत जल्द सारे यूट्यूबर्स को मिलेगा ये अपडेट में जो डिटेल की बात करें तो इसमें क्या होगा आप हर एक यूट्यूबर अपने कमेंट्स के अंदर तीन गाइडलाइंस ख़ुद से सेट कर सकता है अपनी मर्जी से लाइक like, अगर मेरे रेगुलर जो यूट्यूबर व्यूवर्स हैं अगर वो कमेंट करते हैं तो उसे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ या अगर कोई न्यू कमेंट मेरा न्यू व्यूवर कमेंट करता है तो उसे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ या फिर अगर मेरे चैनल पर मेरे वीडियो के नीचे कोई कमेंट करता है गंदा कमेंट करता है अगर मैं उसे रिमूव करना चाहता हूँ तो उसे मैं सेट कर सकता हूँ जो अगर कोई मेरे वीडियो पर आकर गंदे कमेंट या हेट स्पीच प्रोवाइड करता है तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा ये भी एक बहुत अच्छा अपडेट यूट्यूब की ओर से मिलने वाला है देखते हैं ये अपडेट कब अनेबल होता है अब बात करते हैं थर्ड अपडेट को लेकर ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा आप समझ लीजिए आप अपने चैनल पर किसी चीज़ का प्रोडक्ट या ऐप का रिव्यू करते हैं मान लीजिए ऐप आप ही आपने रिव्यू कर दिया ऐप का रिव्यू कर दिया ऐप का डिटेल्स आपने बताते बताते आपने कहा कि अपने वीडियो में मैंने इस ऐप का वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिस्क्रि, में उसका लिंक प्रोवाइड किया है तो क्या होता है इसी दौरान थोड़े व्यूवर्स हमारे जो होते हैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं और लिंक पर क्लिक कर देते हैं लिंक पर क्लिक करने से होता है कि हमारा वीडियो जो है वहीं पर स्टॉप हो जाता है और वो हमारे व्यूवर जो हैं सीधा डायरेक्ट वो जो लिंक पे क्लिक है वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा वॉच टाइम वहाँ पर स्टॉप हो जाता है लेकिन अब इस थर्ड अपडेट से होगा क्या अगर हमारा व्यूवर मिडल में ही डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करता है तब भी हमारी वीडियो जो है बैकग्राउंड में रन होते रहेगी उसके वजह से हमें जो है वॉच टाइम मिलता रहेगा तो ये एक बहुत अच्छा यूट्यूब की ओर से ये थर्ड अपडेट भी मिलने वाला है जिससे हमें छोटे यूट्यूबर जैसे हम सब छोटे यूट्यूबर हैं तो हमें बहुत हेल्प होने वाली है इस यूट्यूब के थर्ड अपडेट्स की वजह से इन तीनों अपडेट में से आपको कौन सा अपडेट पसंद आया है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो ल, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में